चलिए स्टूडेंट्स आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब जब वो जो है उसने पूरी डीलिंग वगैरह सब कर ली थी, अब उसको जो है ना बिल जो है उस जो आपका हैक ड्राइवर है उससे यंग लॉयर की जो है जान पहचान हो गई, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो अब जो वो जो हैक ड्राइवर है वो उसको क्या कहता है, यस लुटकिंग्स इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। और लुटकिंग्स जो है ना वो वहीं पर मिलेगा, जो मोस्ट पॉसिबल है वो वहीं पर मिलेगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो जो है बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो जो है लोगों को धोखा देने में जो है बहुत माहिर है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंग्स लुटकिंग्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। और ऐसा लगता है उस लॉयर को कि बिल जो है ना उसको जो है ना उस उसकी जो है ना ये जो टैलेंट है लुटकिंग का, बेईमानी का जो टैलेंट है, वो उसकी काफ़ी जो है प्रशंसा कर रहा है, वो उसकी जो है बड़ाई कर रहा है। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंग्स रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। और वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो एक पुलिस वाला होता तो वो और वो लुटकिंग्स को अगर पकड़ता तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसको पकड़ता, बड़े सम्मान के साथ आदर सत्कार के साथ पकड़ता और उसको जेल में जो है ना बहुत ज़्यादा पश्चाताप के साथ डाल देता। अब आगे देखिए, बिल लेड मी टू इन टू फ्रिट्स, हैव यू एवर सीन ओलिवर लुटकिंग्स अराउंड टूडे। अब बिल जो है ना वो मुझे जो है फ्रिट्स की शॉप में ले गया और उसने जो है वहाँ पर ये पूछा कि क्या तुमने जो है यहाँ पर ओलिवर लुटकिंग्स को देखा आज। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली। अब उसका एक दोस्त जो उसके लिए जो है उसको ढूंढ रहा था, उसका दोस्त वो उसको बिल से जो है बिल उसे जो है हंसते हुए बोलता है, फ्रिट्स लुक एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अब फ्रिट्स ने जो है मेरी तरफ को देखा और मैं जो है किसके पीछे छुपा हुआ था, मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था, उसने मुझे बिल के पीछे छुपते हुए देखा। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, येस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल अगो। फिर उसने हिचकिचाया, पहले तो हिचकिचाया फिर उसने कहा कि हाँ वो यहाँ पर था थोड़े से ही समय से पहले, थोड़े से ही समय पहले वो यहाँ था। गैस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्तफाज टू गेट अ शेव। और मुझे लगता है कि अब वो जो है ना यहाँ से कहाँ गया होगा, गुस्तफा की दुकान पर गया होगा शेविंग कराने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, वो कहता है अच्छा ठीक है अगर वो आता है तो उसको बताना कि मैं उसको जो है ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्तफाज बार्बर शॉप, अब हम जो है गुस्तफा के जो है बार्बर की दुकान पर, जो नाई की उसकी दुकान थी गुस्ताफ की, ठीक है ना, वहाँ हम पहुँचते हैं। बिल अगेन वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, अब फिर से जो है बिल आगे गया, पहले गया और मैं जो है वहाँ गेट पर ही रह गया, उसके पीछे खड़ा हुआ रह गया। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंग्स, उसने ना सिर्फ जो है दुकानदार से पूछा बल्कि जो वहाँ जो ग्राहक थे उनसे भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंग्स को देखा। द स्वीट हैड नॉट, उस दुकानदार ने नहीं देखा था। हर सेड ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, और मैंने वो गुस्से में कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा है और मुझे परवाह भी नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड हिम कैन जस्ट कलेक्ट $30 ही ओज मी, लेकिन अगर तुम्हें वो मिलता है तो उससे जो मेरे $35 उसके पास हैं वो ले लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंग्स वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, अब उन दो ग्राहकों में से एक ग्राहक ये कहता है कि उसे लगता है कि उसने जो है लुटकिंग्स को जो है मेन स्ट्रीट की तरफ जो है जाते हुए देखा है, दिस साइड ऑफ द होटल, और होटल के जो है उस साइड पर जो है उसे जाते हुए देखा है, देखा था। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हैक बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंग्स हैड एग्जिस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव। अब बिल जो है अब वो वापस से जो है उस घोड़ा गाड़ी में जो है उस हैक में जाकर के दोबारा से बैठते हैं, बग्गी में बैठते हैं उसमें। और बिल जो है वो ये कहता है, वो ये कंक्लूजन निकालता है कि क्योंकि जो है ना ये लुटकिंग्स जो है वो गुस्ताफ किससे जो है उसने उधार ले रखा है, इसी वजह से जो है ना वो यहाँ शेविंग कराने के लिए नहीं आया, वो शेविंग कराने के लिए ग्रे की शॉप पे गया होगा। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंग्स बाय ओनली 5 मिनट, अब जब हम उस ग्रे नाई की दुकान पर पहुँचे, ग्रे नामक नाई की दुकान पे पहुंचे, तो हमने लुटकिंग्स को बस 5 मिनट
के समय अंतराल पर ही खो दिया, यानी ठीक 5 मिनट पहले लुटकिंस वहां से गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली ऑफ द पूल रूम। अब वो वहां से जो है वो कहता है वो जरूर जो है पूल रूम गया होगा। एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। और अब जो वो वहां से जब पूल रूम की तरफ को जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो है अभी यहाँ से जो है ना सिगरेट का पैकेट उसने लिया और वो जो है बाहर गया है, कि उसने सिगरेट का पैकेट परचेस किया और वो वहां से अभी अभी बाहर गया है। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। इसी तरह से अब वो कहता है कि इसी तरह से हम उसके जो है पीछे 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 जाते रहे लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल ही वॉज पास 1 o'clock, पूरा 1 घंटा जब तक के पूरा का पूरा वो कहता है कि पूरा का पूरा जो समय हम उसके पीछे पीछे रहे और वो हम उसे पकड़ नहीं पाए। अब जो जो है एक नहीं बजा था घड़ी में जब तक के जो है आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था, मुझे भूख लग रही थी। वो कहता है पूरे के पूरा 1 घंटा जब तक के 1 नहीं बजे थे तब तक हम उसको जो है ढूंढते ढूंढते उसके पीछे 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 इधर से उधर भागते रहे लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पाए और मुझे भूख लग रही थी, मैं भूखा था। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंग्स और नॉट। लेकिन मैंने जो है बिल के जो उसके जो कंट्री के जो रफ कंट्री के जो ओपिनियन थे, जो उसकी जो राय थी, उसकी जो बातचीत थी, उसको इतना ज़्यादा इन्जॉय करा, जो उसने अपने पड़ोसियों के बारे में बातें कहीं, जो बात अपने ओपिनियंस मुझसे शेयर करे, अपने जो है उसके पड़ोसी लोगों के बारे में वो अपने विचार वगैरह मेरे से शेयर कर रहा था, उसको मैंने इतना इन्जॉय करा कि मैंने केयर ही नहीं करा कि मुझे लुटकिंग्स मिला भी या नहीं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड, मैंने उससे जो है सजेस्ट किया उसको कि कैसा रहेगा कि हम कुछ खा लें, कुछ खाने के बारे में क्या विचार है, कैसा रहेगा कुछ खाने के बारे में। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, चलो एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हें खाना दिलवाता हूँ। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ, वो कहता है लेकिन मुझे तो जो है अपनी वाइफ के पास घर जाना है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, मैं इन रेस्टोरेंट्स के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता। ओनली फॉर ऑफ देम दे आर ऑल बैड। और अब वो कहता है कि वो 4 लोग हैं और वो चारों के चारों बहुत खराब है। टेल यू व्हाट वी विल डू, बताओ तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, मैं जो हूँ अपनी पत्नी से कहता हूँ कि वो हमारे लंच पैक कर देगी। शी वोंट चार्ज यू मोर देन हाफ अ डॉलर, और वो तुमसे आधे डॉलर से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी लंच के। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट, वो कहता है कि जो है ना ये इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होगी जो कि तुम एक जो है चिकने खाने को, तले भुने खाने को रेस्टोरेंट में दोगे जितना पैसा। एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट, और हम लोग जो है ना वेट्स की पहाड़ी की तरफ को जाएंगे और हम अपना जो है जब खाना खाएंगे तो हम वहाँ के नज़ारे को एंजॉय करेंगे। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव, वो कहता है अब नरेटर के मुझे पता था कि बिल जो मेरी हेल्प कर रहा था ना वो सिर्फ जो है मेरे लिए भाईचारे के लिए नहीं कर रहा था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर दिस टाइम, मैं इस समय के लिए उसे पे कर रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आर एट विच एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइज, और मैंने फिर जो है आखिर में उसको जो है 6 घंटे की पेमेंट करी जिसमें कि वो लंच आवर वो खाना जब हमने खाया था वो समय भी इंक्लूडेड था जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट, लेकिन वो बेईमान नहीं था देन आई, वो मुझसे ज़्यादा जो है बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि जो भी कुछ है ये जो मैं उसको समय के लिए पैसे दे रहा था वो मुझे लेकर इधर से उधर घूम रहा था, उसके तो मुझे पैसे उसको जो देने पड़े वो सारे पैसे मुझे कहाँ से लेने थे, अपनी कंपनी से लेने थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम myself to have his presence, लेकिन वो कहता है कि मुझे जो है ना ये अच्छा लगा, ठीक है ना, मैं जो उसके साथ था उसकी जो presence थी ना उसके लिए जो है ना मुझे जो है उसको जो है ना खुद से ही जो है थोड़े से पैसे वगैरह दे देने चाहिए थे। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of city. उसका जो चीयरफुल कंट्री विजडम था, जो उसका जो खुशी से भरपूर जो है ना
उसका जो गांव का जो ज्ञान था वो ज्ञान ऐसा था जो कि मेरे जैसे एक जो है ना मेरा जैसा जो इंसान था, ठीक है ना, जो कि शहर की लाइफ से इतना ज्यादा ऊब गया था, परेशान हो गया था, उसने जो है मेरे मूड को जो है रिफ्रेश कर दिया था। और मैं भी जो है ग्रामीण लड़का ही था, लेकिन मैं शहर में रह करके शहर से के जीवन से ऊब गया था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लीप्ड अमंग द ट्रीज ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। अब जब हम हिल टॉप पर बैठे हुए थे, हम वहाँ पर जो वो जो घास के मैदान थे हम उसके ऊपर बैठे हुए थे, और एक छोटी सी जो वहाँ पर जो नदी थी जो पेड़ों में से निकल के जा रही थी, हमने न्यू मिलियन की बात करी एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। और हमने जो है एक शब्दों में एक जो है पूरा का पूरा पिक्चर बना लिया वहाँ के सभी लोगों के बारे में। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, उसने हर एक चीज़ को नोटिस किया हुआ था, और लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो लोगों पर कितना हंसता था। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव हिज देयर फुलिशनेस, और वो समझता था और वो जो है माफ कर देता था उनकी मूर्खता को भी। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च, वो मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताता है जो कि चर्च में सबसे ऊंची आवाज में गाती है। व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेप्थ, और जब वो जो है इतनी ऊंची आवाज में गाती है जबकि वो किस में थी, बहुत ज्यादा डेप्थ में थी। और डेब्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा कर्ज में थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, उसने उन लड़कों के ऊपर भी कमेंट करा जो कॉलेज से इतने ज्यादा फैंसी कपड़ों में आ रहे थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ वुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, और वो एक वकील के बारे में बताता है जिसकी पत्नी कभी भी कामयाब नहीं हुई कि वो जो है एक साथ जो है कॉलर और टाई जो है एक ही दिन में पहन ले। ही मेड देम ऑल लाइव, उसने उन सब चीज़ों के बारे में उन सब लोगों के बारे में मुझे बताया। वो इस तरह से बता रहा था, इस तरह से उनको वर्णन कर रहा था, उनका डिस्क्रिप्शन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो सारे जो चरित्र हैं, वो जो सारे जो लोग हैं वो उसी के सामने जो है ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर, और उस दिन जो है मैं न्यू मिलियन को बहुत अच्छे से जान गया, इतने अच्छे से जितना कि मैं शहर को भी नहीं जानता था, और अब मैं उसको जो है और अच्छे से पसंद करने लगा। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। बिल जो है वो कॉलेज और शहर के बारे में नहीं जानता था, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसे जो है उसने जो है गांव के एरिया की जो है बहुत जो है ट्रैवलिंग कर रखी थी, बहुत यात्राएं कर रखी थी एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत सारे काम कर चुका था वो। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और अपने इन एडवेंचर से जो उसके ये साहसिक जो होते हैं ना बड़े ही काम थे उसके, उससे जो है ना उसने जो है क्या करा था अपनी लाइफ में जो है सिंप्लिसिटी और लाफ्टर, सादगी और जो हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना होता है, उस फिलॉसफी को वो वापस लेकर के आया। ही स्ट्रेंथन मी, और उसने जो है मुझे जो है शक्ति प्रदान करी, मुझे ताकत दी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज एंड वुड्स एंड रेज्यूम्ड आर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंग्स, और फिर हमने उस शांति भरे घास के जो मैदान थे और वो जो जंगल था हमने उसको छोड़ा, और फिर हम लुटकिंग्स की तलाश में फिर से लग गए। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसको नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट बिल कंसर्न अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंग्स, और आखिर में जो है बिल ने जो है लुटकिंग के एक दोस्त को कंसर्न करा एंड मेड हिम एडमिट वॉट ही गेस्ड, और फिर उसने जो है ये अनुमान लगाया, किस बात का अनुमान लगाया, जो अनुमान उसने लगाया जो मैं अब आपको बताऊंगी उसको उसने उससे जो है एडमिट करवाया, उससे कबूल करवाया। ओलिवर गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ, ओलिवर जो है उसने बताया, उसने एडमिट किया ये कि जो है उसके दोस्त ने एडमिट करा कि वो जो है अपनी माँ के फार्म पर गया है, अपने माँ के खेत पर गया है जो कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम जो है उधर की तरफ चल दिए प्लान्स बनाते हुए। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। शी इज अ टेरर, और वो तो जो है एक प्रकार का जो है आतंक है, बहुत बड़ा भय है। बिल साइड साइड आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एक बार मैं उसके लिए जो है एक बक्सा लेकर के आया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने तो लगभग मेरी खाली उतार ली थी। बिकॉज आई डिडेंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उसको एक अंडे के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं करा था। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक एंड क्विक एज कैट, वो लगभग 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है,
और इतनी फुर्तीली है जितने की एक बिल्ली होती है, एंड शी श्योर कैन टॉक। और वो जो है वो एक ऐसी बिल्ली है जो फुर्तीली तो है, साथ में बोल भी सकती है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट। और वो कहता है कि मुझे इस बात पर विश्वास है, मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया कि कोई उसको चेज कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो वहां जाकर वहां पर चला गया अपनी माँ के वहां चला गया है अपने माँ के पल्लू में के पीछे जो है छुपने के लिए, अपनी माँ के पल्लू में छुपने के लिए वो चला गया है। वेल वी विल ट्राई हर, वो कहते हैं चलो हम जो है ट्राई करते हैं उसको भी, बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय। वो फिर से उसे कहता है कि तुम बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा कि तुम मुझे ये करने दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम लिटरेचर में और लॉ में अच्छे हो सकते हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुमने जो है ना स्वेरिंग में जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली भी होगी। इस तरह के मैटर्स को डील करने में, कहने का मतलब है इस तरह के मैटर्स को डील करने में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होगी। ही वी ड्रोव इन टू पुअर फार्म यार्ड, वी फर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। हम लोग जो है एक बड़े ही बेकार से सड़े से जो है फार्म यार्ड में पहुंच गए, और वहां पर हमें जो है एक बहुत ही बद्री विशाल सी, एक भारी भरकम सी, हट्टी कट्टी सी, मोटी ताजी सी जो है बड़ी खुशनुमा सी एक औरत, बूढ़ी औरत मिली। माई गाइड ब्रेवरी वेंट अप टू हर एंड सेड, और जो मेरा गाइड था यानी कि जो बिल था, जो हैक ड्राइवर था, वो बड़े बहादुरी के साथ उसकी तरफ गया, उस औरत की तरफ, एंड सेड रिमेंबर मी, क्या मुझे जानती हो, आई एम बिल मैगनूसन, मैं बिल मैगनूसन हूँ द कार्टर एंड हैक मैन। और मैं कौन हूँ, मैं कार्टर और हैक मैन हूँ, ठीक है ना, और मैं सामान पहुँचाने वाला और कोचवान हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे जो है बेटे ओलिवर को जो है मिलना चाहता हूँ, उससे मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हेयर, अब देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, वो कहती है कि अब इधर देखो, हमने जो है ना बहुत ज़्यादा बकवास सुन ली। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, ये जो नौजवान व्यक्ति है ना, ये जो है क्या करता है, शहर में जो कोर्ट है, जो न्यायालय, वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है, उस न्यायालय से आया है ये, उसका प्रतिनिधि बन करके आया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंग्स, और हमारे पास जो है सारे लीगल अधिकार है, सारे कानूनी जो है अधिकार है कि हम जो है ना ओलिवर लुटकिंग्स को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास में तो जो है ना पूरा कानूनी अधिकार है कि हम उसकी जो है सारी प्रॉपर्टी जो है, जो उसकी सारी संपत्ति है, हम उसकी तलाश करें, और हम उस लुटकिंग्स को इसीलिए मिलने भी आए हैं, उसको तो देखें ही, साथ ढूंढें, साथ में उसकी प्रॉपर्टी को भी जो है हम देखें, उसकी तलाश करें, खोजबीन करें। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ने जो है ऐसी बातें कही, उससे उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो औरत बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो किचन में चली गई, हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, उसने क्या करा, एक पुराने से जो है पुराने प्रकार के स्टोव पे से एक प्रेस को उठाया, एक आयरन को उठाया, और जो है फिर उसने क्या करा, वो हमारी तरफ जो है, सॉरी, प्रेस को जो उसने वहां पर रखा, सीज करा, और वो हमारी तरफ जो है चिल्लाते हुए भागी। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग फर्स्ट, वो कहती है कि तुम जो है ढूंढना चाहते हो ना, जो तुम्हें ढूंढना है, और अगर तुम ना माइंड करो, ये जो पहली चीज है इसे देखना। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो जो है हमारे ऊपर चिल्लाई और बहुत जोर से हंसी हमारे उस डरे हुए हालत को देख करके, हम जो डर गए थे। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड आउटसाइड, ही सेड डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। अब जो है वो कहते हैं कि इसके पास में जो है, बिल उसको कहता है उसकी माँ को ओलिवर की, कि इस वकील के पास में पूरा जो है कानूनी दस्तावेज है, इसके पास परमिशन है, अथॉरिटी है कि तुम्हारे लड़के के सारे सामान की तलाशी करे। तो वो अंदर जाती है और जाकर के एक पुराने तरह का स्टोव होता है, वहाँ जाकर के वहाँ से आयरन जो है उसको निकाल के लाती है। बच्चों मैंने आपको भी ये कहा कि आयरन जो है वो प्रेस है, बट वो आयरन जो है वो प्रेस नहीं है, वो एक लोहे की जो है स्टिक है
जिसको वो वहां से निकाल के लाती है। और बेटा पुराने तरह का जो स्टोव होता है वो क्या होता है, जैसे पुराने तरह के वो अंगीठी होती है जिसमें सरिये से लगे रहते थे, उसमें से एक लोहा निकाल के लाती है और उसे लेकर के जो है ना वो चीखती चिल्लाती हुई सी उनकी तरफ आती है कि उनकी तरफ को चीखती हुई आती है और कहती है कि तुम चाहो तो पूरे घर की जो है तलाशी वगैरह ले सकते हो अगर तुम जो है इससे जलने से बच जाओ, इस लोहे के जो जला ये जो इतना गरम गरम लोहा है अगर इसके झुलसने से तुम बच जाओगे तो तुम तलाशी ले सकते हो। और वो चिल्लाती है और हम लोगों की हालत के ऊपर हंसती है। अब आगे क्या होता है, वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये तो हमें मार ही देगी। बिल विस्पर्ड, और बिल जो है वो धीरे से फुसफुसाता है। आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। और वो जो है धीरे से बोलता है बाहर आकर के, उसने कहा कि क्या तुमने देखा था उस औरत की हंसी को, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्री डेट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। और मैंने इस बात पे सहमति जाहिर करी कि उस औरत ने जो है बहुत ही बुरा व्यवहार हमारे साथ में करा, बहुत ही अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, हमने फिर भी किसी तरीके से जो है घर में सर्चिंग करी। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज। वो घर जो था केवल एक ही स्टोरी का था, एक ही मंजिल का था। बिल जो है उसमें उसने चारों तरफ चक्कर काट लिया, वो उसकी सारी खिड़कियों में से झांक लिया उसने घर के अंदर। वी एग्जामिन द ब्रैन अनस्टेबल, हमने जो है ब्रैन और स्टेबल की भी जो है तलाशी ली, वहां भी हम गए। ब्रैन क्या होता है बच्चों, खलियान होता है, और स्टेबल जो होता है वो अस्तबल होता है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंग्स वॉज नॉट देयर। और अब जो है हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया था, हमने फैसला कर लिया था कि लुटकिंग्स वहां पर नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब मेरे लिए जो है समय हो गया था कि मैं दोपहर वाली ट्रेन पकड़ू। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और अब बिल मुझे जो है वापस स्टेशन ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंग्स। और अब जो मैं शहर की तरफ जब जा रहा था तो मैं जो है लुटकिंग्स को ना ढूंढ पाने में, ना तलाशने की जो मेरी जो नाकामयाबी थी मैं उसको लेकर के इतना ज़्यादा परेशान नहीं था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैगनूसन, और मैं जो है बहुत ज़्यादा बिजी था बिल मैगनूसन जो वो हैक ड्राइवर था उसके बारे में सोचने में। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू म्यूलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और हकीकत बताऊँ तो मैंने जो है ये कंसिडर कर लिया था कि मैं यहाँ इस गाँव में वापस आऊँगा और अपनी लॉ को लॉ की प्रैक्टिस यहीं करूँगा। इफ़ आई फाउंड बिल टू सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। अब वो कहता है कि मैं जो है उस जो बिल नाम का जो आदमी था, ठीक है ना, वो जैसा इंसान था इतना ज़्यादा अच्छा सच्चा इंसान था, मैं उससे मिला तो जो यहाँ पर जो ये फ्रिट्स था और जो गुस्ताफ था और उसके जैसे और भी जो है बहुत सारे लोग थे, कई सौ लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे से बात करते थे, विनम्रता से बात करते थे, बहुत ही सिंपल थे और बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान पड़ोसी थे, तो मुझे क्या वो सब नहीं मिलेंगे जब मैं वहाँ रहने लगूंगा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स। और मैंने जो है ना कहीं जो है एक पिक्चर बना ली, एक जो है मैंने जो है एक चलचित्र सा बना लिया, एक ईमानदारी से भरपूर और एक खुशी भरी जीवन का, जो कि जो है यूनिवर्सिटी और जो नियम कानून है वाली जो ये फर्म्स हैं जो कंपनियां हैं उनके स्ट्रिक्ट लिमिटेशन से, उनके रूल्स रेगुलेशन से काफ़ी परे थी, काफ़ी हटके थी। ऐसे ईमानदारी और खुशहाली भरी जीवन की मैंने कल्पना कर ली थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे कोई खा मुझे एक प्रकार का खजाना सा मिल गया था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जो है जीवन के एक नए वे को, एक नए रास्ते को जो है, एक नए ढंग को जो है मैंने खोज लिया था, ढूंढ लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंग्स द ऑफिस डिड, लेकिन मैंने तो लुटकिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा पर मेरा ऑफिस तो सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने उन सबको निराश पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंग्स, अगले दिन जो है वो केस जो है कोर्ट में जाना था और उन्हें लुटकिंग्स की आवश्यकता थी बहुत ज़्यादा। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, और मैं एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और जो है बेकार सा व्यर्थ सा जो है मूर्ख बना हुआ था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस सुबह जो है मेरा वो लीगल कैरियर, मेरा वो जो कानूनी कार्य था, जो मेरा कानूनी काम था, वो मेरा प्रोफेशन जो है वो लगभग अंत की तरफ आ गया था।
ठीक है ना। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। और जो मेरे जो चीफ थे वो, उन्होंने तो है लगभग मेरी जान ही ले ली थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही जो इशारा कर दिया था कि मैं जो है ना गड्ढे खोदने में माहिर हूँ। मैं जो है ना कि मैं जो कि ऐसा हो सकता है अगर मैं इस काम में कामयाब नहीं हुआ तो मुझे अपनी कब्र जो है खोदनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं कब्र खोद लूँ वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं उसे नहीं ढूंढ के लाया। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद वी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुट किंग। और मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं वापस से न्यू मिलियन जाऊं, और मुझे अब की बार एक ऐसे आदमी के साथ भेजा गया जो जिसने के लुट किंग्स के साथ काम किया था। आई वॉज रेदर सॉरी। और जो है वो कहता है कि मैं जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। क्योंकि मैं शर्मिंदा इसलिए महसूस कर रहा था, मुझे सॉरी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि अब ये आदमी मेरे साथ में आया है, इस कारण से जो मैं है दोबारा से उस बिल के साथ में जो है इधर उधर जो है घूम नहीं पाऊंगा। वेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन जो है न्यू मिलियन आई, बिल जो है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे था, नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास में, अपनी बग्घी के पास में था, वो टांगे के पास में था अपने। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टिग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। और बड़े अजीब सी बात जो मैंने देखी, वो जो बूढ़ी शेरनी थी जो लुटकिंग की माँ थी, वो बातें कर रही थी और हंस रही थी बिल के साथ, और वो उसके साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो अ रियल मैन। और ट्रेन की सीढ़ियों से उतरते ही मैंने बिल की तरफ पॉइंट आउट करा, मैंने बिल की तरफ जो है इशारा करते हुए जो है अपने साथी को कहा कि ये एक सच्चा और अच्छा आदमी है। आई स्पेंड द डे विद हिम, और मैंने इसके साथ सारा दिन बिताया था। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंग, ही हेल्प यू हंट ओवर ओलिवर लुटकिंग्स। वो कहता है कि क्या इसने तुम्हारी ओलिवर को ढूंढने में मदद करी? यस ही हेल्प मी अलॉट, हाँ इसने तो मेरी बहुत मदद करी। ही मस्ट हैव हीज लुटकिंग्स हिमसेल्फ, वो कहता है हाँ हाँ उसने जरूर करी होगी क्योंकि वो तो खुद ही लुटकिंग्स है। वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट वेन आई सर्व द समन्स लुटकिंग्स एंड हिज मदर लाव्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ सेवन। वो कहता है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई, घात पहुँचाया, जिस चीज़ ने मुझे वास्तविक रूप से जो है दुख पहुँचाया, वो बात ये थी कि जब मैंने समन दिया तो लुटकिंग और उसकी माँ जो है मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे कि मैं जो है 7 साल का एक बच्चा हूँ। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। और बहुत ज़्यादा जो है प्रेम के साथ में, बहुत ज़्यादा दया के साथ में उन्होंने जो है मुझसे जो है बेग किया, मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं उनके साथ उनके नेबर के घर जाऊँ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड यू वर दे वर एंशियस टू लुक एट यू, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था और वो तुमको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। सेड लुटकिंग्स जॉयफुली, लुटकिंग्स ने जो है हंसते हुए कहा, ये बहुत खुशी से कहा, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे। वो कहता है पूरे टाउन में जो है केवल केवल वही ऐसे लोग थे जो कि तुम्हें जो है कल नहीं देख पाए थे। तो बच्चों आपने देखा जो एक लड़का था जो इतना होशियार अकलमंद वकालत करने वाला व्यक्ति था, उसका एक आदमी ने लुटकिंग, ओलिवर लुटकिंग जैसे आदमी ने, एक हैक ड्राइवर ने कितना मूर्ख बनाया। वो उसको लेकर पूरे शहर भर में घूमता रहा और उसको ये तक नहीं आभास होने दिया कि वो ही लुटकिंग्स है जिसको वो समन देने के लिए आया है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।